हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, मेरा जो है काम हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और 11:30 बजे जाना है मुझे अपने सेंटर में, यानी कि सिलाई सेंटर जहां पर सिलाई वगैरह सिखाई जाती है विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप से। तो वहां पर ना सेंटर में आज कोई मंत्री वगैरह आ रहे हैं जो हिमाचल के पहले थे या अब हैं, जो भी है वो जाकर पता लगेगा। तो मेरे पास इनविटेशन आया था कि फटाफट से वहाँ पर पहुँचे सभी बहनें, तो मैं इससे जुड़ी हुई हूँ, इस ग्रुप से। तो फिर अब 11:30 बजे मुझे वहाँ पर जाना है उनके वेलकम के लिए जो भी आ रहे हैं। तो मेरी टीम की और भी बहनें जो हैं वहाँ पर आएंगी। सो जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊँगी, तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। और फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे आज मैंने गले में ही क्या पहनना है, तो ये मैंने आज तुलसी की जो माला है वो धारण की है। सो गाइस, ऐसा कहते हैं कि हमारे गले में तुलसी माला ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मौत यानी कि हमारे प्राण कब मतलब निकल जाएं, उस टाइम पे कोई हमारे मुंह में तुलसी का पत्ता डाले ना डाले। सो इसलिए ये माला ज़रूर होनी चाहिए। सो मुझे ये गिफ्टेड है और कंठ में मैंने तिलक भी दे रखा है, देखिए माला को। सो गाइज, अब ये माला मेरे गले में ही रहेगी, तो ये तुलसी की माला है और इसको पहनने के बाद ना एक अलग ही मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब एक अलग ही फेस पे ना वो आ रहा है गेटअप सा ही ना, जब से मैंने पहननी है तब से। तो गाइज बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, जैसा भी ब्लॉग रहेगा मैं आप लोगों को सारा दिखाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइज, मैं जो है सेंटर में पहुंच गई थी, मैं और मेरे साथ मेरी एक ग्रुप की मेंबर है शेफाली जी, वो मेरे साथ थे। तो गाइज, यहाँ पर जो ये आज प्रोग्राम है मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जो प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान प्रेम शंकर जी हैं, अब उनकी जो बदली है वो हिमाचल में हो गई है, तो वो अब हिमाचल प्रदेश के मंत्री होंगे। और अब प्रांत संगठन हरियाणा के मंत्री होंगे श्रीमान राधेश्याम जी। तो ये दोनों अधिकारी आज प्रताप नगर स्नेह सम्मेलन में पहुंच रहे हैं, तो हम श्रीमान राधेश्याम जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। और प्रेम शंकर जी अब वहाँ का कार्य संभालेंगे, जैसे उन्होंने अच्छे से यहाँ पर संभाला है तो ऐसे ही वो आगे भी संभालेंगे, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो यहाँ पर मेरे भाई बंधु बुजुर्ग सभी हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी जो भी ग्रुप बने हुए हैं सब में से जो भाई बंधु हम मेरे आए हुए थे यहाँ पर। और ये जो फर्स्ट नंबर पर बैठे हुए हैं ये हैं श्रीमान शंकर जी, श्रीमान प्रेम शंकर जी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ बीच में। और जो लास्ट में बैठे हुए हैं वो हैं श्री राधे श्याम जी, जो अब हरियाणा के मंत्री हैं प्रांत संगठन के। सो गाइज, बस हम लोग इसी लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे इनके स्वागत के लिए। और ये देखिए जी, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, श्रीमान प्रेम शंकर जी फर्स्ट नंबर पर खड़े हुए हैं और जो लास्ट में बैठे हुए हैं वो हैं श्रीमान राधेश्याम जी। तो गाइज, बस इसी लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए थे। और ये महिपाल अंकल जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए जी। और गाइज, ये हमारी पिक है जब हमने इन भेंट किया था, जो इनके गले में है वो हमसे भेंट करवाया गया था, और ये महिपाल अंकल जी भेंट कर रहे हैं। सो गाइज, ये था आज का प्रोग्राम। तो हे गाइज, मैं जो है
आगी थी और ये टाइम हो रहा है 1 बजे का, खाना बनाना था इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। सो वहाँ से जो मुझे मिला है मैं वो दिखाती हूँ। सो वहाँ से गाइज मेरे को एक तो मिली है ये डायरी विश्व हिंदू परिषद हरियाणा प्रांत बजरंग दल। सो गाइज ये डायरी है, और ये हैं 2 पेन, और एक मिली है ये लक्ष्य युगल गीता चरणा। और ये था जी वहाँ पर नाश्ता, चाय हमने नहीं पी, हम फटाफट से आ गए थे। सो मैं ब्रेड, 1 पीस बर्फ़ी जो है अपना नाश्ता ले आई थी। तो बस जी ये था मेरा मीटिंग का जो भी था, वो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और गाइज यहाँ पर महिपाल अंकल जी ने जो है एक गीत यहाँ पर गाया था, सो आप लोग सुन लीजिए जी, बहुत अच्छा गाया था उन्होंने। फिर से उदय राणा शिवाजी का, फिर से उदय भारत माते की जय हो, भी जय भारत माता की जय।